जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी की दाढ़ी भी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की इसी बढ़ती दाढ़ी पर अब सियासत भी शुरू हो गई, जिसके केंद्र में है इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने राहुल के नए लुक को सद्दाम हुसैन जैसा बताया था, जिस पर कांग्रेस ने तीखा जवाब भी दिया। लेकिन इस सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर सद्दाम हुसैन था कौन। आपको बता दें कि दो दशकों तक इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन को दुनिया तानाशाह कहकर बुलाती है, ऐसा तानाशाह जिसने जमकर कत्लेआम मचाया। आज से 16 साल पहले सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया था। अब सवाल ये कि राहुल की सद्दाम से तुलना क्यों, वजह सिर्फ दाढ़ी है या फिर इसके राजनीतिक मायने कुछ और है? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की एक टिप्पणी विवादों में आ गई है। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हिमंता बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी थी। गुजरात में एक रैली में उन्होंने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था, आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है, ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? राहुल को लेकर इतनी बड़ी बात बोल दी जाए तो भला कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली थी। दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वही व्यक्ति है जो कांग्रेस नेताओं का पैर पकड़ता था, उनको शर्म आनी चाहिए, आज वो जो भी हैं वो कांग्रेस की वजह से हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छा हुआ जब हिमंता बिस्व शर्मा राहुल गांधी से मिलने गए थे तो उन्होंने अपने डॉग को ज्यादा तरजीह दी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच लोगों की नजरें उनकी दाढ़ी पर जा चुकी है। नेताओं का कहना है कि अक्सर चंचल और पार्ट टाइम राजनेता कहे जाने वाले राहुल गांधी दाढ़ी में गंभीर और दृढ़ व्यक्तित्व वाले दिखाई देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के वक्त राहुल क्लीन शेव थे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वैसे वैसे उनका क्लीन शेव चेहरा भी धीरे धीरे गायब हो गया। अब उनके चेहरे पर अच्छी खासी और आकर्षक दाढ़ी है। ऐसा नहीं है कि राहुल पहले दाढ़ी में नहीं रहे, लेकिन इस बार वो और उनकी दाढ़ी लंबे समय तक दिखाई दिए हैं। उनके इस रूप के बीच कई कांग्रेस नेताओं के अंदर सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने दाढ़ी क्यों रखी है, क्या इससे राजनीतिक मदद मिलेगी। इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दाढ़ी राजनीति में मदद तो करती है, लेकिन तब जब आपने निचले स्तर से काम करना शुरू किया हो। केवल दाढ़ी रख लेने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है कि ड्रेसिंग लुक के पीछे कोई न कोई रणनीति जरूर होती है, बात चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की। बंगाल चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी, तब कुछ लोगों ने उनकी तुलना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से की थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि बंगाल की जनता को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने ये दाढ़ी रखी थी। उस वक्त राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा था और ट्वीट में लिखा था चोर की दाढ़ी। कुल मिलाकर लुक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि चेहरे के लुक से सियासी इमेज कितनी बदलती है।